प्रिय मित्रों, आज हम आपको बताते हैं कि कैसे हमें अपने गोल्ड को, जब हम लोन ले कि कोई कस्टमर हमारे पास लोन लेने आता है, तो हमने कैसे उसको वेरीफाई करना है और कैसे सिक्योर करके सीरियल नंबर लगा के प्लज नंबर की एंट्री करने के बाद ही उसको सील करना है। एक सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है, जब सबसे पहले GL1 यानी गोल्ड लोन वन वाला जो हमारा एम्प्लॉई है, जब वो कस्टमर से गोल्ड लेता है, तो वजन करने के बाद वो उसी टाइम GL2 को हैंड ओवर कर दे, ताकि वो उसको दोबारा से उसका वेट चेक करे और वेरीफाई करे। और एक ध्यान देने योग्य बात बात है कि कभी भी उसको सील करने से पहले या उसको सीरियल नंबर देने से पहले मैनेजर से ज़रूर वेरीफाई करा रहे, क्योंकि जो रसीद हम रिसिप्ट को हम ओके करते हैं उसको GL1 एक स्टाफ तो वेरीफाई कर देता है कि इतना वेट है, इतना उसकी अमाउंट है, और हम कस्टमर को पेमेंट कर देते हैं। लेकिन उसी रिसिप्ट में वहाँ पर मैनेजर के भी साइन है, ऑन द स्पॉट मैनेजर से साइन कराओ और उसके बाद ही उसको सील करो। क्योंकि अगर उसको दो GL1, GL2 और मैनेजर वेरीफाई करता है, तो एक से मिस्टेक होने के चांस तो हैं, लेकिन तीन स्टाफ उस मिस्टेक को पकड़ सकता है। और अगर फिर भी वह मिस्टेक वेरीफाई नहीं होती, तो जो लॉस होगा कंपनी को या कस्टमर को, तो वो तीन बंदों में डिवाइड होगा, बजाय इसके कि एक पर ब्लेम लगाएं। लेकिन हम इस मिस्टेक से भी बच सकते हैं अगर इसको तीन आदमी वेरीफाई करते हैं स्टाफ के। धन्यवाद दोस्तों।